राजस्थान में बुरके की आड़ पर पुलिस पर पत्थर, हिस्ट्री सीटर रफू चक्कर। कुख्यात हिस्ट्री सीटर को पकड़ने गई पुलिस तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीएम की पुलिस का तांडव देख थर थर कांपने लगी बुरके वाली। 10 लोगों के घर को अतिक्रमण का नोटिस, 5 जेसीबी, 6 थानों की पुलिस, गांव में घुसते ही कांपने लगे आंदोलन जीवी। अलवर में होने वाला था बड़ा कांड, रात के अंधेरे में फेंके गए पत्थर। अब तक तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली देख रहे थे, गुंडे माफिया मवाली सब कवाली पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने सबको कर दिया है खाली। लेकिन अब घटना राजस्थान के अलवर की है, जहां यूपी के विगरू कांड को दोहरा दिया गया होता। गांव में पुलिस दबे पांव एंटर करती है और कुख्यात हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को चारों ओर से घेर कर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन बाहर का नज़ारा देख दंग रह जाती है। हाथों में पत्थर लिए पूरा मोहल्ला, पुलिस का पसीना छूट जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी घटना। 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर का विकरू गांव, जो कि विकास दुबे के नाम से प्रसिद्ध हो गया, उससे भी बड़ा खेल 22 जून की रात अलवर के मनक्का गांव में हुआ। वहां के कुख्यात हिस्ट्री शीटर को पकड़ने जैसे ही राजस्थान की पुलिस पहुंचती है, बुरके वाली महिलाओं ने घर की छत के ऊपर से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। वहाँ पुलिस जैसे तैसे बच के भागी। 2 कांस्टेबल की हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से फिरोज खान को पकड़ लिया, लेकिन जीप में बिठा पाती उससे पहले ही फिरोज खान एक ट्रक से फरार हो गया। ये कहानी का पहला चैप्टर है, उसके बाद में अब शुरू होता है कहानी का दूसरा पार्ट। एडिशनल SP तेजपाल सिंह, SDM प्रतीक मिलकर कागज खंगालते हैं। राजस्व विभाग की टीम गाँव में जाकर जमीन की पैमाइश करती है, अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपती है और दूसरे ही दिन 10 लोगों के घर पर अतिक्रमण का नोटिस पहुंच जाता है। गांव में चर्चा होने लगती है, जिसने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे अब उनके घर पर बुलडोजर चलना तय है। 3 दिन के बाद म्याद पूरी हो जाती है और फिर होता है गांव में एक बड़ा तांडव। 5 जेसीबी लेकर 6 थानों की पुलिस फिरोज खान के गाँव में घुस जाती है। सबको सीधा आदेश था कि अगर कोई पत्थर चलाए तो भागना मत, पत्थर चलाने वालों को गाड़ी में बिठा लेना। लेकिन पुलिस की टीम भी तब परेशान हो जाती है जब अतिक्रमण तोड़ने में बुलडोजर भी काम नहीं आता है, क्योंकि गलियां इतनी पतली होती थी कि बुलडोजर का अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वहां हैमर मशीन मंगवाई गई और वहां कई दीवारें तोड़ी गईं। ऐसे में एक साथ दर्जन दुकानें और मकानों को बुलडोजर चलाया गया। अब वहां का वातावरण कुछ अलग था। वहाँ न फिरोज के ही गुर्गे कुछ कह पा रहे थे और न उसके साथ देने वाली बुरके वाली महिलाएं प्रशासन के सामने आई थी। सब बुलडोजर के डर से भाग खड़े हुए हैं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद एडिशनल SP हिस्ट्री शीटर फिरोज खान सहित 10 अतिक्रमणकारियों के मकान पर राजस्व विभाग की ओर से पैमाइश की गई, जिससे अतिक्रमण पाया गया उस पर आज बुलडोजर चलकर अतिक्रमण हटाया गया है। शेष अतिक्रमणकारी को हैमर मशीन से हटाया गया है। आपको बता दें कि फिरोज खान को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस और कई राज्यों की पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसे संरक्षण देने वाला कौन है। फिरोज खान के संबंध किसी बड़े नेता से हैं या उसके कॉन्टैक्ट उस मेवात से हैं, जहां पर हकीकत दिखाना मीडिया को भी भारी पड़ जाता है। अब देखना ये होगा, क्या फिरोज खान को पकड़ने में राजस्थान की अलवर पुलिस इस कुख्यात हिस्ट्री शीटर को पकड़ पाएगी या खुद ही फंस कर रह जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर की नीति कारगर साबित हो रही है या फिर और कुछ होने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।